हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फेसबुक ग्रुप में क्या होता है। तो आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले फेसबुक ऐप को ओपन कर लेते हैं, और फेसबुक ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर ये रहा ट्रिपल डॉट और ट्रिपल सॉरी मेनू में आ गया, और यहाँ पर मिलता है हमको ग्रुप का ऑप्शन, ठीक है ना। अब इस ग्रुप में क्या होता है अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो एक तरह का ये ग्रुप का फीडबैक होता है, ये फीड होता है जिसमें आप जो भी ग्रुप ज्वाइन किए होंगे उसका लेटेस्ट पोस्ट आपको यहाँ पर शो कर दें, ठीक है ना। फॉर यू वाले में देखिए, यहाँ पर ये रहा फॉर यू में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक आता है योर ग्रुप का, योर ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो ग्रुप आपने ज्वाइन किया हो या फिर जो ग्रुप आपने बनाया हो और जो ग्रुप आपने ज्वाइन किया हो उस सब यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है ना। अब बात रही फेसबुक में ग्रुप होता क्या है। तो दोस्तों, ग्रुप जो है ना, एक विशेष प्रकार के विषय या फिर विशेष प्रकार के आधार पर ग्रुप बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर विशेष प्रकार के विषय, मतलब फैनिक वीडियो, ठीक है ना। एक स्पेशल कैटेगरी को लो, एक स्पेशल डिसाइड एक स्पेशल एक तरह के सोचने वाले लोगों को एक जगह लाने के लिए ग्रुप बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कई लोगों को फनी वीडियो देखना पसंद होता है, तो फनी वीडियो हम देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर 225,000 लोग जुड़े हैं जो फनी वीडियो देखना पसंद करते हैं। इसी तरह और देखेंगे तो यहाँ पर AI से रिलेटेड देखिए, यहाँ पर 919,000 लोग जुड़े हैं ChatGPT से, ठीक है ना। तो यहाँ पर AI से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पर डिटेल्स दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो इसीलिए ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें इससे फेसबुक ग्रुप से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कोई ग्रुप बनाते हैं तो इसमें अनलिमिटेड लोग को जोड़ सकते हैं अपने फेसबुक में, 1 करोड़, 2 करोड़ या फिर दुनिया का जितने भी जनसंख्या है, अगर वो आपकी फेसबुक ग्रुप में जुड़ना चाहें तो वो बहुत ही आसानी से बस ज्वाइन वाले बटन पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है आपको फेसबुक ग्रुप बनाने से, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने ग्रुप में किसी को जोड़ना चाहते हैं, अपने एक फेसबुक अकाउंट में किसी को जोड़ना चाहते हैं, तो बस 5,000 से ज़्यादा किसी को नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ग्रुप बनाते हैं तो उसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है, वो जुड़ सकते हैं उसमें। और उसमें जुड़ने के बाद वो लोग भी अपना जो भी इंफॉर्मेशन है उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए फेसबुक ग्रुप बनाया जाता है और फेसबुक ग्रुप में यही काम होता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दैट सी टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।